सोलन में नगर परिषद वार्ड नंबर 4 का चुनाव 17 तारीख को होना है। चुनाव प्रचार को कुछ घंटे ही बचे हैं, लेकिन भाजपा हो या कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी दोनों ही मतदाताओं को रिझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मतदाताओं के साथ वायदों का दौर जारी है, उनकी समस्याओं को हल करने के दिलासे भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना चुनाव अभियान जारी रखा। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष कुल राकेश पंत, शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद की अध्यक्षता में ये अभियान चंबा घाट और वार्ड नंबर 4 में चलाया गया, जहां घर घर जाकर प्रत्याशी किरण के हक में वोट मांगे गए। इस मौके पर शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद ने भाजपा को कहते हुए कहा कि सोलन की नगर परिषद बिल्कुल असफल नगर परिषद है। उन्होंने वार्ड नंबर 4 का उदाहरण देते हुए कहा कि चंबा घाट में नगर परिषद सोलन मात्र सफाई व्यवस्था को ही दुरुस्त नहीं कर पा रही है, ऐसे में और विकास कार्यों का क्या हाल होगा, उसका आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ में पानी की समस्या नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जगह जगह डंगे गिरे पड़े हैं। लोगों की शिकायतों पर नगर परिषद कोई गौर नहीं कर रही है। यहाँ के निवासी भाजपा की नगर परिषद से बेहद तंग है और दुखी है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वार्ड नंबर 4 से कांग्रेस समर्थित किरण ही विजय हासिल करेगी। अगर आपके बच्चे जिम जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिम ट्रेनर आजकल बच्चों को थोड़े से पैसे के लालच में उन्हें तरह तरह की रिटायर्ड और सप्लीमेंट दे रहे हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं। उनकी बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए बॉडी ग्रो देने का प्रयास करते हैं। यही नहीं, जिनका भार ज्यादा होता है उन्हें पतला करने के उद्देश्य से ये फैट कटर लेने की सिफारिश करते हैं। ये सभी प्रोडक्ट बिना किसी डॉक्टरी सलाह के और बिना किसी अनुभव के ये अपने जिम से युवाओं को बेच रहे हैं। भोले भाले युवा भी उनकी बातों में आ जाते हैं और वे इनका सेवन करने लग जाते हैं। थोड़े समय बाद उनके शरीर में ये दवाइयाँ अपने साइड इफेक्ट्स दिखाने लगती हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे उनका शरीर खराब होने लगता है और कई तरह की एलर्जी होने लगती है, बाल झड़ने लगते हैं, विभिन्न तरह के चर्म रोग होने लगते हैं। इसलिए इन सभी से युवाओं को बचना चाहिए और जो प्राकृतिक रूप से सप्लीमेंट उपलब्ध है वे लेने चाहिए। अधिक जानकारी देते हुए चिकित्सकों कमल अटवाल और अमित ने कहा कि जो भी युवा सप्लीमेंट और शरीर को घटाने और बढ़ाने की दवाएं ले रहे हैं वे बेहद ही घातक सिद्ध हो रही है। शुरुआती तौर पर ये शरीर को अच्छा कर देती है, लेकिन बाद में ये आपकी स्किन को खराब कर देती है। युवाओं के बहुत ही कम उम्र में बाल झड़ने लग जाते हैं, किडनियां खराब हो जाती हैं। यही नहीं, अगर युवक इसे लगातार लेता रहता है तो वे डिप्रेशन में चला जाता है और कई बार तो आत्महत्या तक कर लेता है। इसलिए हमें प्रकृति ने जो सप्लीमेंट दिए हैं उन्हें उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और दवाइयों से अच्छा असर प्राकृतिक सप्लीमेंट का पड़ता है। उन्होंने बताया कि अगर युवा जिम जा रहे हैं तो आवश्यकता है कि वे अनुभवी जिम ट्रेनर से ही एक्सरसाइज करें और किसी भी तरह की सिंथेटिक दवा उपयोग में ना लाएं। चिकित्सक अमित ने बताया कि ऐसे कई प्राकृतिक लीगल रिटायर्ड स्टीरॉइड उपलब्ध हैं, जिन्हें प्लांट स्टीरॉइड के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे स्पाइनीज, फ्लेवा बीन्स, किनोवा, एवोकेडो, एस्परगिस, साल्मन फिश है। लेकिन ये स्टीरॉइड भी ज्यादा समय के लिए नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ज्यादा समय तक ये खाने से ये भी दुष्प्रभाव शरीर पर डाल सकते हैं। जितनी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करेंगे कार्डियो की पावर तो ज्यादा बढ़ती ही जाएगी, तो प्रेफरेबल ये है कि आप प्रोटोकॉल्स के हिसाब से एक्सरसाइज कीजिए, अंडर प्रॉपर सुपरविजन एक्सरसाइज कीजिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर शिक्षा के ढांचे में गलत तरीके से बदलाव करने पर शिक्षा को बेचने के आरोप लगाए हैं। एबीवीपी की मंडी इकाई के जिला संयोजक दीक्षित पठानिया ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर छात्रों पर रूसा सिस्टम थोपने व छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपने छात्र विरोधी फैसले के बाद
कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर से उनके ही गृह जिला में स्वास्थ्य सेवाओं के चरमरा जाने की भी बात कही है। एबीवीपी ने सरकार से मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी शुरू करने, रूसा में सुधार करने व उसके लिए आधारभूत ढांचा स्थापित करने व प्रदेश के कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को पुनः बहाल करने की मांग उठाई। इसके साथ ही जिला में पर्यटन के क्षेत्र में सरकार से कार्य करने की गुहार भी लगाई है। इसके साथ ही अखिल भारतीय परिषद ने मौजूदा भाजपा की सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते छात्रों से जुड़े मुद्दों का निपटारा ना किया गया तो आने वाले समय में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने से भी एबीवीपी गुरेज नहीं करेगी। पठानिया ने कहा कि एबीवीपी के हाल ही में हुए प्रांत अधिवेशन में आगे की रणनीति भी बनाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही प्रदेश व मंडी जिला कार्यकारिणी का भी गठन इस अधिवेशन में किया गया है। दीक्षित ने कहा कि प्रदेश में छात्र हितों की लड़ाई को आने वाले समय में भी जारी रखा जाएगा।